गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अभी 5:30 हो रहे हैं और मैं अभी चाय पी रही थी। दरअसल लाइट चली गई थी, इस वजह से मैं बाहर आके बैठ गई हूँ और गुंगुन को बहुत तेज ठंड लग रही थी तो मैंने अपने दुपट्टे में इसको ले लिया है ना। और यहाँ पे युग भी आ गया है। अभी पता है मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत ठंड ठंड हवा चल रही है। और उठी तो मैं कब की हूँ, लेकिन बैठी थी बाहर ही और सब लोग उठ गए हैं, चाय वाय सबका हो चुका है, ये टहलने निकल गए हैं, भैया भी अभी जस्ट निकल ही रहे हैं, निकल गए हैं मतलब। थोड़ा सा चिड़ियों को खाना दिया उन्होंने, उसके बाद वो चले गए मेरे बाहर ना। यहाँ पे बहुत मतलब सच में यार, छोटे शहरों में एक चीज तो माननी ही पड़ेगी, मतलब ये सब चीजें जो होती है ना हर जगह मिलती नहीं है, लेकिन मस्त है यार लॉकडाउन में ये सब चीजें बहुत अच्छी है। और यहाँ पे अब ठीक है, ठंडा नहीं लग रहा है गुनगुन? तो चलिए युग को तुम ले लिए, गुनगुन को दूध देना बाकी है तो अभी मैं दूध होते देती हूँ। और ऐसी बैठी हुई हूँ बिल्कुल, और चाय पी अदरक वाली, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से, काफी देर के बाद मिल रही हूँ आप लोगों से। नहाना वहाना मेरा हो चुका है और नाश्ता नाश्ता भी सबका हो चुका है। खाने में कुछ कुछ चीजें मैंने बना ली हैं, पर अभी देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और अभी मुझे देना है बच्चों को फोन, क्योंकि 10:30 नहीं, अभी 10 बज रहे हैं, 5 मिनट कम है, तो 5 मिनट बाद उन लोगों की क्लास शुरू हो जाएगी है और ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। तो चलिए क्लास इन लोगों की खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। और आज मैंने बनाई है एक छोटी सी चोटी, क्योंकि मेरे बाल लंबे नहीं है, छोटे छोटे हैं, इस वजह से मैंने छोटी की है, खड़ा है मेरे पीछे। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर नहीं काफी, मतलब 2-3 घंटे बाद ही मिलूंगी आप लोगों से, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई तो करनी है करनी है, जितने फोन है सब एकदम व्यस्त है अभी। ले जाओ। आज मैं काफी देर के बाद मिल रही हूँ, अभी अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं आप लोगों से मिली थी सुबह में 10 बजे, 10:10 में शायद मिली हुई थी। आज दोपहर का मतलब आज का दिन तो बहुत ही बेकार गया है, क्योंकि आज पता है ना लाइट थी, ना इन्वर्टर था, ना जनरेटर था, कुछ भी नहीं था। पूरे दिन हम लोग गर्मी में परेशान थे, एकदम अफरा तफरी मच गई थी। बच्चे, मम्मी गर्मी लग रही है, मम्मी ये, मम्मी वो। हुआ यूँ था ना कि जैसे 2-3 दिनों से इन्वर्टर का बैटरी जो था वो मतलब खराब हो रखा था, तो वैसे मतलब चलता था, ऐसा नहीं है, लेकिन आज तो एकदम मतलब जवाब ही दे चुका है वो, और गया बैटरी चेंज होने के लिए। इस लॉकडाउन में चेंज होके न्यू बैटरी आया है, उसके बाद अभी चार्ज में लगाया गया और अभी जस्ट लाइट आई है थोड़ी देर पहले। तो मैं अभी जा रही हूँ, खाना वाना तो उस मतलब सबका कब का हो चुका है, एक बार चाय भी हो चुका है। और क्योंकि 5 बज रहे हैं शाम को और मैं जा रही हूँ कुछ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने, तो मैंने सोचा कि मेरे पास केला है पका हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो आज बनाना ब्रेड बना देते हैं। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी ट्राई करने के लिए, तो और गुनगुन को भी मैंने बोला था कि मैं बनाऊंगी, जिस दिन मैं ये बात बोल दूं कि बनाऊंगी तो उसके बाद से जब तक तुम बनाओगी नहीं तब तक वो पीछे पड़ी रहती है, मम्मी बनाओ मम्मी बनाओ। तो मैंने सोचा कि चलो लाइट भी आ गई है और किचन का काम भी देख लूंगी और फटाफट बना भी लूंगी। अभी मैंने सोचा कि थोड़ी देर हवा खा लेती हूँ उसके बाद जाती हूँ। पता नहीं क्या हो रखा है आजकल, 2-3 दिनों से बहुत लाइट हमारे यहाँ जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। और बच्चे टीवी में लगे हुए हैं, और लगे भी क्यों ना, दोपहर से इधर से उधर करके घूम रहे हैं। तो चलिए किचन में लेके चलती हूँ और बच्चों के लिए जो भी था बनाने के लिए वो बनाती हूँ। और बहुत इजी प्रोसेस है, आप लोग भी एक बार ट्राई करना और देखना कैसा बन रहा है। तो चलिए किचन चलते हैं। और यहाँ पे देखिए सारे बर्तन धो के रखे हुए हैं और मैंने लगाया भी नहीं है अभी कुछ। किचन में 2-4 सिंक में बर्तन है और यहाँ पे बर्तन है, तो वो सब धोना है, अभी देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया है अभी बनाना ब्रेड के लिए, पहले स्टार्टिंग कर देती हूँ, उसके बाद सारी चीजों को करूंगी, वो होता भी रहेगा। तो चलिए कैमरे को ट्राइपॉड पे लगाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में बनाना ब्रेड बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 पके हुए केले लिए हैं और इसी कप से मतलब मैं नाप ले रही हूँ। तो कप में मैंने चीनी लिया है लेकिन वो भी भरा हुआ नहीं था, और केले को थोड़ा सा मैश करके मैं चीनी के साथ तो मतलब डाल दूंगी, क्योंकि केले और चीनी को मतलब मुझे डाल के साथ में पीसना है। और यहाँ पे मैंने उसी कप से दूध लिया है, दूध भी मुझे आधा डालना है क्योंकि आधा में
मतलब अलग से रखूंगी, क्योंकि मतलब ज्यादा हम लोग को मतलब बैटर गाढ़ा नहीं बनाना है। और यहाँ पे मैंने लिया है आटा, आप इसमें मैदा भी डाल सकते हो, तो मैंने लिया है आटा क्योंकि आटा बहुत हेल्दी होता है। तो उसी कप के नाप से मुझे आटा भी लेना है। तो यहाँ पे पहले इसको दूध, केले और चीनी को मैं अच्छे से मतलब पीस लूंगी इसमें। और यहाँ पे देखिए मैं उसी कप से और उसी कटोरे में ले रही हूँ जिस कटोरे में मैंने केला लिया था। तो यहाँ पे 2 कप आटा को मैंने छान के रखा हुआ था ना, तो थोड़ा सा इसमें देखिए 2 कप मैं इसमें डाल रही हूँ, और जो यहाँ पे बैटर मैंने बना के रखा है तो वो चीज़ इसमें मैं डालूंगी और अच्छे से इसे मिक्स करूंगी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अच्छे से, ताकि लम्स ना रहे बिल्कुल भी इसमें। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं इसमें डाल दी हूँ और अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ। फिर भी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इस वजह से मैंने जो दूध निकाल के अलग से रखा था और दूसरे कप में मैंने उसको रख दिया है। लेकिन फिर भी मैंने मतलब उसमें 2-3 चम्मच मैं उसमें से दूध उसमें ऐड करूंगी। अभी 1.5 या 2 चम्मच के करीब दूध इसमें मैं डाल रही हूँ, अंदाज से ही मैंने डाला है। तो यहाँ पे आप अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स, अगर आप शौकीन हैं ड्राई फ्रूट्स के, तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो या फिर कुछ भी। तो मैं हालांकि बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे आप मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच देसी घी। तो आप देसी घी की जगह पे जो आपके पास हो अवेलेबल आप वो डाल सकते हो, बटर हो, रिफाइंड ऑयल हो, जो भी है वो भी डाल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं चेरी डाल रही हूँ क्योंकि चेरी का जो कलर होता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये कलर मुझे मतलब बच्चों को भी अच्छा लगता है, कलरफुल हो जाता है ना बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग पाउडर है ये, और 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी। सेम प्रोसेस होता है जैसे हम लोग केक को बेक करते हैं, बिल्कुल वैसे ही तरीके से हम मैं इसे बना रही हूँ। और मैंने भी इसे दूसरी बार ट्राई किया, एक बार मैंने इसे बनाई थी, और इसमें मैं अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इसी मतलब रेड कटोरे में मैं कुछ भी बेक करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे इजी लगता है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर डाल के, और जो भी आपके पास मतलब केक का सांचा हो उसमें आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है क्योंकि नीचे चिपके नहीं। तो यहाँ पे बस लास्ट प्रोसेस है, इसे थोड़ा सा अच्छे से ठोक देना है ताकि इसे बीच जो भी मतलब लम्स मतलब बबल्स हो वो निकल जाए अच्छे से। और मैं माइक्रोवेव को मतलब 10 मिनट के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ। तो 10 से 11 मिनट में मेरा मतलब कम्प्लीटली ये हो चुका था बहुत अच्छे से। तो 11 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है, तो बस बनना स्टार्ट हो गया। बहुत इजी प्रोसेस है, अगर जिसके पास माइक्रोवेव नहीं है उसको मतलब कभी ना कभी तो वो केक बनाते ही होंगे कुकर में नमक डाल के। तो सेम प्रोसेस वैसे ही है, बस आपको थोड़ा सा उसको मतलब चाकू से या फिर टूथपिक से डाल के देखना होना मतलब होता है कि आप वो हुआ है कि नहीं। तो अगर और पता है मेरा ना माइक्रोवेव अभी प्री हीट नहीं मैंने किया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मतलब 5 मिनट पहले आप लोगों से बात करने के 5 मिनट पहले अभी मैंने जस्ट पापड़ उसमें वो किया था, भुना हुआ था सबके मतलब चाय के लिए। तो माइक्रोवेव बहुत गर्म था, इस वजह से मैंने उसे प्री हीट नहीं किया। वैसे मतलब इसको आप बनाने के पहले थोड़ी देर प्री हीट कर लें 1 मिनट के लिए, उसके बाद बनाएं। तो अभी टाइम है, अभी बन रहा है, देखते हैं कैसा बनता है, बच्चे वेट कर रहे हैं। फोन चार्ज नहीं है, इस वजह से मेरा फोन अभी भी चार्ज नहीं है, चार्जर लेके जा रही हूँ फोन चार्ज करने, क्योंकि आपको पता ही बताई हूँ मैं कि लाइट और इन्वर्टर कुछ भी था नहीं, तो यहाँ पे चार्ज छोटे लगा देती हूँ तभी तो वीडियो शूट होगा। तो यहाँ पे देखिए बनकर रेडी हो चुका है, और मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी और बिल्कुल ये नॉर्मल तरीके से निकल जा रहा है। थोड़ा सा ये गरम है, उसके बाद मैं इसे खाली करूंगी, और दोनों साइड से देखिए छोड़ दिया है बिल्कुल, ये लगा हुआ नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने काट दिया है इसे, और बहुत ही मतलब टेस्टी बना है, देखने में तो टेस्टी बहुत है, स्पंजी भी बहुत ज्यादा है। तो चलिए मैं जा रही हूँ सबको देने के लिए, और आप लोग भी खाना बना के जरूर एक बार ट्राई करना और बताना मुझे कॉमेंट करके कि कैसा बना है आपका।
पे देखिए तीनों सोए हुए हैं, इतनी गर्मी है फिर लोगों को नींद आ रही है, और टॉमी को लेकर बच्चे गए हैं बाहर, तो मैंने थोड़ा सा पानी वानी डाल दिया, ठंड रहती है। और पता है आजकल क्या हो रखा है ना, जैसे पहले के लोग, मतलब पहले हम लोग का था जैसे लाइट वाइट नहीं था, पीछे जो हम लोग का पुराना वाला घर है वहां पे, तो शाम होने के लिए हम लोग वेट कर देते कि शाम हो तो छत पे जाएंगे और मतलब सबसे मिलेंगे, पानी डालना, ये सब सब मतलब पीछे की चीजें ना फिर से आने लगी हैं सामने। सोच के भी मतलब खुशी होती है कि काश वो भी दिन बहुत अच्छा था। अभी मैं इनसे यही बातें कर रही थी ना कि हम लोग की बस वही हो गया कि जल्दी शाम हो, हम लोग बाहर निकले, थोड़ा सा थोड़ा पौधों को पानी दे, थोड़ा सा इधर पानी वानी डाले, उसके बाद फ्रेश होके बैठे। और पता है बनाना ब्रेड सच में बहुत टेस्टी बना था, एक बार ट्राई जरूर करना यार, सच में बहुत ही टेस्टी बना था। मतलब कह नहीं सकती कि कितना टेस्टी था वो, सब लोगों ने खाया, लेकिन सबको हो गया थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक बार फिर बनाऊंगी। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने आटे से बनाई थी और हेल्दी भी था वो। वैसे आप मैदे से भी बना सकते हो, पर आटे का मुझे लग रहा है ना कि ज्यादा हेल्दी होगा। और वहां पे दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे और बच्चों के बीच में मीटिंग हो रही है। क्या क्या मीटिंग हो रही है? और यू कह कि गुनगुन को हमेशा चिढ़ाता रहता है, क्यों चिढ़ाते हो उसको? तुम ये मारना स्टार्ट किया। अच्छा, उसके बाद तुम स्त्रीलिंग पुलिंग शुरू। पार्टी चाहिए इन लोगों को, और मैंने बोला कि चलो भाभी से मांग लो, तो बोल रही नहीं नहीं वो नहीं देंगी पार्टी, आप ही दीजिए। मैंने बोला नहीं, जाके मांग के जाओ, गंगा एक बार मांग के आओ भाभी से पार्टी, देखो क्या होगा। क्या डायलॉग है बताओ? तो बड़ी मम्मी का डायलॉग थोड़ा सुन लीजिए इनसे, युग से क्या बोलेगा, क्या बोल, क्या बोलती है बड़ी मम्मी? पैसा नहीं है, तो बात तो सही है, बड़े पापा जब आएंगे तभी तो कुछ होगा। तो बड़ी मम्मी क्यों खर्चा करके बड़े पापा कर ही रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं? मम्मी बोल रही है मैं क्यों पार्टी दूं, चाची से घर में मांगो। हो गया, चाची बोली, मम्मी मम्मी बोले चाची, कोई बात नहीं, कल पिज्जा हम बना देंगे या फिर मंगा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कल बना देंगे पिज्जा और देखते हैं क्या होता है, पिज्जा जरूर बनाऊंगी। कूल डाउन कूल डाउन, अभी उससे ज्यादा मत चढ़ो ऊपर। तो चलिए, काफी लंबा ब्लॉग होता जा रहा है और बच्चों की मस्ती तो खत्म होने वाली है नहीं, और इससे ज्यादा मैं कंटिन्यू कर भी नहीं सकती हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज यार मुझे छोड़ के मत जाओ, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं मेरे एक एक सब कम होते जा रहे हैं यार, मत करो मत करो, क्यों क्या हुआ इन लोगों को। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।